मार्केट स्टाइल आलू चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं दो आलू, जिन्हें कि मैंने बॉईल कर लिया है और इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हरी चटनी, फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने हरी चटनी कैसे बनाई है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इमली की चटनी, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। चाट मसाला, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और ऑयल फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हमें इसे तेज गर्म करना है ऑयल को, जिससे कि क्या होगा कि जो पोटैटो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। आप कुछ देर के लिए गैस को तेज रखें। जब आलू ब्राउन होना स्टार्ट होने लगे तब आप गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दें। तो स्टार्टिंग में हम फ्लेम तेज ही रखेंगे। तो देखिए आलू ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। और इन्हें पलट लें और सब तरफ से इक्वली फ्राई कर लें। तो देखिए कितने अच्छे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने आलूओं को निकाल लिया है एक बाउल में, अब हम इसमें चटनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। अब इमली की चटनी, फ्रेंड्स अगर आपको इमली की चटनी पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। मिक्स करने से अच्छे से चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, प्लेन व्हाइट नमक, अब इसे मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमने इसे निकाल लिया है एक बाउल में, अब हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़ा सा धनिया से और उसके ऊपर जीरा का पाउडर डाल देंगे। और ये लीजिए आपकी मार्केट स्टाइल वाली आलू चाट बनकर रेडी है। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो लीजिए गर्मा गर्म मार्केट स्टाइल वाली आलू चाट बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स आप किसका वेट कर रहे हैं, आप भी इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।